दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल YT समाज में। आज हम देखेंगे चैप्टर 9 जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रिपरेशन के सीरीज में। इस चैप्टर का नाम है स्पेस विजुअलाइजेशन। जैसा कि आप लोग नाम से समझ सकते हैं, स्पेस विजुअलाइज करना है हम लोगों को, स्पेस को विजुअलाइज करना है। मतलब जो भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं वो फिगर किन फिगरों से मिलके बना है वो हमारा क्वेश्चन में है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 1 2 3, तीन फिगर दिया हुआ है, इन तीन फिगर से मिलकर के कौन सा फिगर हमारा बन रहा है ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि फिगर 4 जो है इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया जाए तो, और इसको इधर से ये वाला कनेक्ट कर दिया जाए तो हमको फिगर 4 बनता हुआ दिखाई देगा। तो यही करना है हमको पूरे। कुछ क्वेश्चंस हैं एंट्रेंस कॉर्नर के, हम उसको देख लेते हैं। और ये है जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक। इस पब्लिकेशन के बुक के सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो देख लेते हैं एंट्रेंस कॉर्नर। इधर जो क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन फिगर के सारे, जैसे इसको हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4, इन चार फिगर से मिलकर के कौन सा इधर फिगर एडजॉइन होकर के बना हुआ है तो देखना है हमको। पहले वाले फिगर में 1 2 3 4 अनावश्यक रूप से इसमें आ रहा है, ये तो होगा नहीं। दूसरे वाले में 1 2 ये वाला हमारे पास है ही नहीं, 3 और 4 दो ठो स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं एक भी इसमें, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला देखते हैं, 1 2 3 4 ये बना हुआ है, हमारे पास दो तो ऐसे हैं, ठीक है, और ये एक ऐसा, ये वाला मान लीजिए थर्ड फिगर है, और ये सेकंड फिगर में यहाँ पे ऊपर उठा हुआ है लेकिन इसमें ये ट्रायंगल बन गया है, तो ये वाला फिगर भी मोस्ट प्रोबेबली यही है, क्योंकि इसके ऑप्शन 4 को भी देखा जाए तो ऑप्शन 4 में भी दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जबकि यहाँ पे ट्रायंगल है ही नहीं। तो यहाँ पे एक टेक्निकल मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इसका ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था ये वाला यहाँ से, तो ज़्यादा नियर बाई आंसर इसका ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आई एम श्योर कि इसमें मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऐसे होना चाहिए था तो इसका आंसर 3rd होता, ओके। और आप लोग अपना आंसर पीछे से चेक भी कर सकते हैं, बुक में दिया रहता है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो किन फिगरों से मिलकर के बना है। 1 2 3 सिंपल सा है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इससे मिलकर के आपके पास दो दिख रहे होंगे, एक ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है। तो हमको देखना है यहाँ पे स्क्वायर जो है वो छोटे साइज़ के हैं और यहाँ पे स्क्वायर जो है काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, तो इसका आंसर आई थिंक 2nd होना चाहिए। आपको जब एग्ज़ाम में मिलेंगे तो वो इतना भी टेक्निकल एरर नहीं रहेगा, इस बुक में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है एरर, तो इसका आंसर होगा 2nd। आप लोगों को समझ में आ रहा है। 1 2 और 3 फिगर इसमें भी थे, 1 2 3 फिगर, इन तीन फिगर से मिलकर के कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2nd वाला, ठीक है। करना क्या है इसमें, स्पेस विजुलाइज करना है कि इन तीनों फिगर या चारों फिगर जो भी यहाँ पर दिया रहता है इनसे मिलकर के इधर का कौन सा ऑप्शन बना हुआ है, क्लियर। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे 3rd नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें अगर हम फिगर नंबर ऑप्शन क्वेश्चन के फिगर में देखें, 1 2 और 3, तीन फिगर हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इन तीन फिगर से मिलकर के कौन सा ऑप्शन इधर बन रहा है 1 2 3 4 में, 2nd वाले ऑप्शन को देखो, डायरेक्टली मेरे को आंसर लग रहा है कि ये 2nd वाला होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला उठ करके चला गया यहाँ पे, ये है दूसरे नंबर का फिगर, ठीक है। ये हमने 3 नंबर दिया है तो 3 नंबर वाला फिगर ये है, ठीक है, और ये 1 नंबर का फिगर है तो ये 1 नंबर का फिगर है। इस तरीके से भी कर सकते हो नंबरिंग करके इधर, और ऑप्शन में भी देख सकते हो आप लोग कि कौन सा वाला इसका आंसर हो रहा है, क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 2nd ऑप्शन, ओके। 4th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन, अगर हम इसको 1 नंबर का फिगर, इसको 2 नंबर का और इसको 3 नंबर का फिगर दे दें तो हम ऑप्शन में देखते हैं, इसका ऑप्शन हमको लग रहा है कि ये करेक्ट है, 1st नंबर का ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 1st ऑप्शन ये हो गया, 2nd वाला ऐसे मुड़ करके यहाँ चला गया है, ठीक है, और 3rd वाला ऐसे तो था ही, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, 1st आंसर, क्लियर। 4th नंबर का 1st ऑप्शन करेक्ट है। 5th नंबर का देख लेते हैं। 5th नंबर में क्या है, 1 2 3, तीनों फिगर का नाम देते हैं, 1, ये है 2 और ये 3। 2 वाला थोड़ा सा देखेंगे कि ये रोम्बस टाइप का दिख रहा है, तो ये पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि ये 1, ये 2 और ये 3, सिंपल सा है ना, तो करेक्ट कौन सा हो गया इसका, 1st नंबर, ओके। समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 6th नंबर का, ठीक है। 1 2 3 ये इस तरीके से फिगर दिए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बड़े हैं और इस तरीके से अरेंज भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये छोटा है इसमें एकदम, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर करेक्ट लग रहा है 4th, कौन सा, 4th। देखो क्यों, क्योंकि ये वाला मान लो 3rd फिगर है ना, तो 3rd फिगर यहाँ आ गया, ये वाला 2nd फिगर है तो 2nd फिगर ये वाला है, और ये वाला 3rd
फर्स्ट फिगर था, तो ये वाला फर्स्ट फिगर यहाँ है, क्लियर। तो इस तरीके से एडजॉइन होकर के ये वाला बना हुआ है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हम लोग को करना है इस चैप्टर के। आप लोग को प्रैक्टिस एक्सरसाइज और सेल्फ प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस को कर लेने के बाद आपको इस चैप्टर का प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना करने के बावजूद भी आप लोग को अलग से क्वेश्चंस करने के लिए मैं बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।